पूरा देश कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, ऐसे समय जब लॉकडाउन के कारण कई काम बंद है, हमने फैसला किया है कि हम वनोपज को सरकारी स्तर पर खरीदेंगे, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके। सरकार गरीबों के बीने हुए वनोपज को खरीदेगी तो उसका पैसा नगद देगी, क्योंकि बैंकों में पैसा निकालने के लिए इस समय भारी भीड़ है। 4 करोड़ खातों में पहले से ही पैसा जमा है। तो हमने फैसला किया कि तत्काल वनोपज संघ खरीद के उनको नगद भुगतान करेगा, तेंदुपत्ता की तुड़ाई का काम भी प्रारंभ होगा और तेंदुपत्ता भी 2500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से हम खरीदेंगे और उसका पैसा भी संग्राहकों को नगद दिया जाएगा ताकि उनके हाथ में तत्काल पैसा आ सके। हमारे गरीब भाई बहन, आदिवासी भाई बहन अचार की गुठली, महुए का फूल, महुए का बीज, करंज का बीज, नीम का बीज, साल बीज, नागर मोथा, लाख, हर्रा, बहेड़ा, इन कई चीज़ों को संग्रह करते हैं और उनको बेचते हैं। ये औने पौने दाम पर ना बिके इसलिए वनोपज संघ खरीदेगा। अचार की गुठली हम 130 रुपया किलो खरीदेंगे, लाख पलाश की 150 रुपया किलो, लाख कुसुम की 230 रुपया किलो, हर्रा 20 रुपया किलो, बहेड़ा 25 रुपया किलो, बैलगुड़ा 30 रुपया किलो, चाकोड़ा का बीज 20 रुपया किलो, शहद 225 रुपया किलो, महुए का फूल 35 रुपया किलो, महुए का बीज 35 रुपया किलो, करंज का बीज 40 रुपया किलो, नीम का बीज 30 रुपया किलो, साल का बीज 25 रुपया किलो और नागर मोथा 35 रुपया किलो हम खरीदेंगे। वनोपज संघ इनकी खरीदी के केंद्र खोलेगा और ये खरीदी हम 25 अप्रैल से प्रारंभ करेंगे। संकट के समय में हमारे गरीब भाई बहन इन वनोपज को बीन के बेचेगी और तत्काल नगद पैसा उनको मिलेगा। तेंदुपत्ता की तुड़वाई शुरू तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन 4 मई से तेंदुपत्ता खरीदी हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि तेंदुपत्ता सूखने में समय लगता है। तेंदुपत्ते की तुड़वाई के साथ जो संग्राहकों को बोनस देने की भी व्यवस्था है, जल्दी 183 करोड़ रुपया तेंदुपत्ता संग्राहकों में बोनस का बांटा जाएगा और इस साल जो तेंदुपत्ते की तुड़वाई होगी मजदूरी के अलावा बाद में उस पर बोनस भी देंगे।